वेलकम बैक एवरीवन। क्या आपको रैंक पुश करने के लिए नूब लॉबी चाहिए? तो इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल के साथ ट्रिक शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे को एक आर्टिकल हाथ लगी है जहां नूब लॉबी लाने का बहुत सारे ट्रिक एंड एक्सपेरिमेंट्स है। तो ये पॉइंट याद रखना, हम सभी के मैच मेकिंग 50 प्लेयर के साथ होता है, इसलिए हर वक्त हार्ड लॉबी नहीं आएगा, इसलिए उनमें से नूब लॉबी आपकी हाथ लग सकती है। पहले बात करते हैं व्हाट इज नूब लॉबी। नूब लॉबी वो प्लेयर की टीम की ग्रुप है जहां मैक्सिमम प्लेयर के स्कोर आपके जो प्रेजेंट स्कोर है उससे कम होगा। एग्जांपल मान के चलो हीरोइक मास्टर के प्लेयर सब है आपके टीम में, ठीक है। अब सामने वाले प्लेयर क्या होगा गाइस, पता है? वो है डायमंड के प्लेयर आ सकता है आपके सामने वाला जो प्लेयर होगा वो लॉबी में डायमंड के प्लेयर भी होगा इस तरह से। तो ओके, इस आर्टिकल में जो सबसे पहला टिप है हाउ टू गेट नूब लॉबी इन फ्री फायर के लिए, तो वो है अपना टिप नंबर 1, अनइक्विप एंड इक्विप योर पेट। अब देखो, अनइक्विप एंड इक्विप योर पेट का मतलब है आपको पेट को एक बार इक्विप करना है, अनइक्विप करना है, ऐसे करना है, 3-4 बार ऐसे करना है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, आपको अनइक्विप करके खेलना है। अब देखो, अनइक्विप करके मतलब क्या है, पेट को लेके नहीं आना गेम में। अब इनका कहना यह है कि अगर आप पैट को अनइक्विप करके खेलते हो तो आपका मैच मेकिंग हो सकता है, मैक्सिमम प्लेयर हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम, ये भी या फिर नॉर्मल टाइम भी हो सकता है कि आपका मैच मेकिंग एक ऐसा प्लेयर के साथ होगा जिसके पास कोई पैट ही नहीं होगा, एंड पैट वही प्लेयर लेके नहीं खेलता है जो मतलब नए प्लेयर होता है, उनका कहना ये है, ठीक है। अब मैं सच बोलूंगा, न्यू प्लेयर का उनका वो ज्यादातर दर्शाता है कि न्यू प्लेयर ही पैट लेके नहीं खेलता है, लेकिन अभी के टाइम में जो ओल्ड प्लेयर है वो तो उनके पास तो पैट होगा ही होगा। तो इसलिए इनका कहना यह है कि ये भी होता है कि फैंसी क्लोथ मतलब बंडल जो होता है आपका, बंडल वगैरह वो सब भी आप लोग मत पहनो, आप लोग बंडल मत पहनो, आप लोग कोई ड्रेस मत पहनो, ऐसे ही चले जाओ, ठीक है। आप लोग मतलब थोड़ा सा नूब टाइप की ड्रेस पहन के चले जाओ, आपको पैट लेके नहीं आना है, बस यही सब आपको मतलब यहां पे पैट का वो बात कही गई है। अब ये बात मैं बोलना चाहता हूं, देखो मैंने ये ट्राई तो नहीं किया है कि ऐसा भी वर्क करता है, अगर ऐसा वर्क करता है मैच मेकिंग में तो भाई बहुत ही ज्यादा मतलब सीरियसनेस मतलब फ्री फायर में सबको हिला के रख देगा यार, लूप लॉबी लाने के लिए। क्योंकि पैट अगर अनइक्विप करके इक्विप करके ये वर्क करता है कि नहीं, मुझे आप लोग बताना। मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट आर्टिकल में, टिप नंबर 2। तो टिप नंबर 2 क्या है, प्ले विद लो रैंक प्लेयर इन योर टीम। अब देखो, प्ले विद लो रैंक प्लेयर इन योर टीम मतलब इसका मतलब है आपको अपनी टीम में एक लो रैंक का प्लेयर लेना है। एग्जांपल प्लेटिनम प्लेयर भी हो सकता है, गोल्ड का प्लेयर भी हो सकता है, या फिर डायमंड का प्लेयर भी हो सकता है, बस आपका रैंक थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा है गाइस, एक्सप्लेनेशन डिटेल दिया है कि Having one or two low rank player in your team will drag down the average rank of your party, and thus will you face squad with low rank and skill. You should get also the leader of the party and उनको set करना आपको team leader पे। आप देखो, group उनको ही बनाने देना है जो आपके lobby पे मतलब सबसे कम level पे होगा, ठीक है। तो कम level पे आपको पता है मतलब rank पे, ठीक है, जैसे rank होगा platinum, diamond, मतलब उनका lobby rank score कम होना चाहिए। अब उनको एक group बनाने दो, इससे क्या होगा, दो बंदा अगर आपकी टीम में ऐसा बंदा होगा जो आपसे स्कोर से बहुत नीचे होगा तो क्या होगा, मैच मेकिंग उनके हिसाब से होता है, इनका कहना ये है, ठीक है। प्ले विथ लो रैंक प्लेयर्स इन योर टीम, इससे आपका हो सकता है मे बी आपका नूब लॉबी आ जाए। तो इनका आर्टिकल में भी ये सीक्रेट बात लिखी गई कि नूब लॉबी लाने क्या, ये भी सेकेंड नंबर ट्रिक है जो वर्क करता है इनके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 तो मैं बता दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, लास्ट में ना आपको एक बोनस टिप दूंगा, बोनस टिप वो मेरा हिसाब से दूंगा, मैंने वो फेस किया है बोनस टिप में, ठीक है। तो आपको बताऊंगा, सबसे पहले बात करते हैं टिप नंबर 3, तो वीडियो देखते जाओ। टिप नंबर 3 क्या है, डोंट इनवाइट योर फ्रेंड्स। इसका हेडिंग है डोंट इनवाइट योर फ्रेंड, मतलब आपको फ्रेंड को इनवाइट नहीं करना है। चलो अब पढ़ते हैं इसके डिटेल्स में क्यों भाई। तो देखो, हैविंग विद अ फ्रेंड इज ग्रेट बिकॉज यू कैन कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड ड्यूरिंग कॉम्बैट्स इजीली। हां, तो ये बात सच है, अगर हम लोग का दोस्त अगर हम लोग का साथ होगा तो हम लोग इजीली बात करके खेल सकते हैं, ये सच बात है। हाउएवर, प्लेइंग विद अ फ्रेंड ऑल्सो मीन्स दैट यू आर लाइकली टू फेस पीपल हु आर प्लेइंग विद फ्रेंड्स एज वेल। मतलब ये बोलना चाहता है कि यार ये मतलब देखो, अगर हम लोग फ्रेंड के साथ खेल रहे तो हम लोग मैच मेकिंग हो सकता है, सामने वाला ऐसा भी बंदा हो जाए जो उनका फ्रेंड के साथ खेल रहे, मतलब देखो वो लोग रैंडम प्लेयर नहीं होगा, वो लोग भी फ्रेंड के साथ ही खेल रहा है, वो लोग भी बात करके खेल रहा होगा, इनका कहना ये है। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, सो इफ यू वांट टू गेट नूब इन योर नूब लॉबी देन यू माइट वांट टू प्ले अलोन और रैंडम प्लेयर्स।
स्टिल इफ योर फ्रेंड्स हैव अ ग्रेट स्ट्रेटजी यू प्ले बेटर चॉइस विद द टीम। ठीक है, अब मतलब इनका कहना यह है कि अगर आप लोग सोलो अलोन अकेले खेलते हो, मतलब रैंडम प्लेयर के साथ या फिर अकेले खेलते हो, तो हो सकता है कि आपका जो मैच मेकिंग होगा वो सामने वाला टीम होगा जो होगा क्या होगा पता है, स्क्वाड होगा, वो हो सकता है रैंडम प्लेयर होगा। मतलब जैसे हम लोग अगर रैंडम घुस जाते हैं, जैसे सीएस में हम लोग रैंडम घुस जाते हैं ना, वैसे आपको रैंक में भी रैंडम घुस जाना है। अब देखो रैंडम घुसोगे तो सामने जो प्लेयर आएगा ओपोनेंट में वो भी रैंडम होगा। अब रैंडम क्या होगा, वो लोग बात नहीं कर पाएगा, आप लोग आपका गेम प्ले अच्छा है वो बात अच्छा है मुझे पता है, लेकिन जो सामने वाला बंदा होगा उसका भी गेम प्ले अच्छा नहीं होगा एंड वो लोग बात करके नहीं खेलेगा। तो इससे ये कहना है कि आर्टिकल में कि आप लोग इनवाइट मत करो अपने फ्रेंड का, लेकिन अगर आपके पास फ्रेंड है जो अच्छा खासा गेम प्ले करता है तो आप लोग बेझिझक आप लोग अपना स्क्वाड बना के खेलो। ठीक है, इनका कहना यह भी है। तो अगर ये ट्रिक अच्छी बात है तो मैं तो बोलूंगा ये ट्रिक एक अच्छी ट्रिक है, क्योंकि ये ट्रिक मैंने भी देखा है कि वर्क करता है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा आप लोग ये ट्रिक वर्क करा सकते हो। अगर आप लोग रैंडम खेलना चाहते हो तो गाइस थोड़ा सा इजी लोबी आ सकता है। ठीक है, तो नूब लोबी टाइम सब समझ लो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नंबर टिप नंबर 4 पे। तो टिप नंबर 4 क्या है पता है, प्ले एट द राइट आवर। तो प्ले एट द राइट आवर इसका मतलब क्या है, मतलब एक ऐसा समय जो आपका गेम पे नूब लोबी आ सकता है उसी समय में आपको खेलना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे डिटेल पढ़ते हैं। तो मोस्ट फ्री फायर प्लेयर प्ले ड्यूरिंग द आफ्टरनून एंड द इवनिंग, दिस आर द टाइम्स व्हेन मोस्ट पीपल आर फ्री, सो द सर्वर विल मोस्टली फुल, सो इजी फॉर द फ्री फायर टू मैच विद द पीपल हु हैव द सेम रैंक एंड स्किल। तो इनका कहना ये है कि मैक्सिमम जो प्लेयर होता है वो आफ्टरनून एंड इवनिंग का टाइम में खेलता है। इनका कहना ये है कि इसलिए गाइस क्या होता है, तो मैक्सिमम सर्वर जो होता है ना वो फुल रहता है इस टाइम में, आफ्टरनून सर्वर में फुल रहता है एंड इवनिंग भी सर्वर फुल रहता है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है यहां पे पढ़ा जाए तो यहां पे क्या लिखा है, बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस देयर आर फ्यूएस्ट प्लेयर्स ऑन द सर्वर इन द मॉर्निंग। ओके, मतलब सुबह के टाइम में इनका एक्सपीरियंस ये कहता है कि सुबह के टाइम में आपका प्लेयर सब सिर्फ फ्यू खेलता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा प्लेयर नहीं खेलता। ये सच बात है, सुबह इतना जल्दी कौन उठ के खेलेगा, है कि नहीं। इसलिए क्या होता है, क्या लिखा है, बिकॉज दैट इज व्हेन पीपल गो टू स्कूल एंड गो टू वर्क, इफ यू प्ले फ्रॉम 4 AM टू 9 PM दिस इज द ग्रेट चांस यू विल गेट अ नूब फुल ऑफ बॉट्स। भाई ऐसे देखो मेरा बात नहीं है, चार सुबह का 4 बजे से खेल के रात का 9 बजे तक, ये बात गलत है। देखो मैं बोलना चाहता हूं, आप एक काम करो, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप सुबह का अगर गेम उठते हो तो सुबह का 6 बजे से लेके आप लोग सुबह का दोपहर से पहले आप मतलब 1 बजे तक खेल लो। ठीक है, यही टाइम मेरे लिए बेस्ट है, सुबह का जैसे 6 बजे, ठीक है, 6 AM टू 1 PM या फिर 12 PM। ठीक है, आप लोग ये भी बोल सकते हो, मतलब इस टाइम में मेरे हिसाब से थोड़ा सा मैच मेकिंग थोड़ा ऐसे टाइप के प्लेयर है तो जो गेम प्ले में थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम हो। ठीक है, तो समझ लो वही टिप नंबर 5 जो मेरी तरफ से आप सभी के लिए, वो है प्ले विद अ पीसी प्लेयर। ये पीसी प्लेयर ट्रिक किसको पता था, सब आप सबको पता है, कुछ कुछ प्लेयर को पता नहीं होगा। तो मैं बोलना चाहता हूं, देखो पीसी प्लेयर के साथ अगर आप लोग खेलोगे तो मास्टर ग्रैंड मास्टर आप लोग जाना चाहते हो तो गाइस बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें से थोड़ा सा मतलब ऐसा लॉबी आता है कि मतलब मैच मेकिंग ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब उन लोगों का मैच मेकिंग कैसा होता है, मतलब थोड़ा सा इजी लॉबी आपको मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम यही होता है एंड मैक्सिमम टाइम ये भी हो सकता है कि आपका नहीं भी आओ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि गाइस कभी कभी सर्वर अगर फुल रहेगा तो हो सकता है आपका मैच मेकिंग होगा ही नहीं, मतलब कुछ हार्ड लॉबी भी हो सकता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि मैच मेकिंग अगर पीसी प्लेयर के साथ करोगे तो आपका नूब लॉबी ही आएगा, तो ये भी मैंने देखा है एंड सच में ये हुआ ही है। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो है नंबर 6 पॉइंट। तो मेरी तरफ से गाइस देखो ये बोनस टिप समझ लो, ऑटो मैच ऑन ऑफ। तो ऑटो मैच ऑन ऑफ आपको पता है ना, ऑटो मैच ऑन ऑफ करता 3-4 बार, ये पहले वर्क करता था, मतलब पहले मतलब वो भी बोल ना सकते, वो भी 50-50% वर्क करता था, लेकिन अभी ऑटो मैच ऑन ऑफ वर्क करता है कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन अब हम लोग देखते हैं फ्री फायर का ओल्ड लॉबी। तो फ्री फायर का जो अभी नया लॉबी आता है उनमें से आप लोग देखते हो, आप लोग पता लगा सकते हो। लेकिन अभी अगर पहले अगर आप लोग पता लगा पाओगे क्या कोई नूब है कौन प्रो है, चलो मैं आपको फ्री फायर का एक ओल्ड लॉबी दिखाता हूं। तो देखो यहां पे हम लोग आते हैं फ्री फायर के ओल्ड लॉबी पे एंड यहां पे बहुत ही पुराना 2018-19 का गेम प्ले होगा शायद से। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे आप लोगों को सब लोग मतलब क्या पहने, गंजी पहने हुए, ठीक इनर पहने हुए व्हाइट कलर का, आप लोग देखो यहां पे पैंट भी, आप लोग देखो हाफ शॉर्ट्स पहने हुए। अब आप लोग पता लगा पाओगे यहाँ पे कौन प्रो है कौन नूब है? नहीं भाई, कोई पता लगा नहीं पाओगे, कोई पता नहीं लगा पाओगे कौन प्रो है कौन नूब, क्योंकि सबका गेम प्ले उस वक्त आपके जैसे ही था, क्योंकि सब लोग प्रो ही था, सब लोग नूब भी था, समझ लो मतलब आपके जैसे ही था सब। तो ये एंड का क्लिप से मेरा एक ही मोटिव था, किसी को पहले जज मत करना, हो सकता है आपका जो सामने वाला नूब लॉबी है वो प्रो भी लॉबी आ सकता है, तो इसलिए कभी जज मत करना। अगर आपको ट्रिक शेयर अच्छा लगा तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।